ये है नेक्सोन ईवी मैक्स गाड़ी जो कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं हाईवे पे अभी चल रहा हूँ और मेरे गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सेट किया हुआ है। तो ईवी गाड़ी में रेंज निकालने के लिए अपन को कुछ चीजें ध्यान में रखनी रहती है। पहला ये कि अपने क्रूज कंट्रोल अपन को यूज करना है। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ क्रूज कंट्रोल। देखिए आप अभी जैसे इसमें मैंने अभी 75 की स्पीड सेट कर रखी है। तो जब भी अपन क्रूज कंट्रोल यूज करेंगे तो ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेवल के आगे ऊपर रेड लाइन है और नीचे वाली ब्लू लाइन, इसके बीच में जो व्हाइट लाइन है वो जिग जैग रहती है अगर अपन सिटी में गाड़ी चलाते हैं। तो अभी ये लाइन एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको क्रूज कंट्रोल यूज करना है जिसे ये लाइन सीधी आए, नहीं तो बिना क्रूज कंट्रोल के भी अगर आप हैबिचुअल हो एक्सेलरेटर पेडल के साथ तो आप ये लाइन को क्या स्ट्रेट रख सकते हो, जिसमें जिससे कि आपको एवरेज निकालने में आसानी रहेगी। सेकेंड चीज क्या रहती है कि जैसे ये लाइन हो गई जो सीधी आनी चाहिए, अभी मैंने जैसे जस्ट ब्रेक किया है तो ये लाइन क्या है वापस क्या है ऊपर नीचे हो गई, तो वापस मैंने क्रूज पे लिया है और रिज्यूम कर दिया हूँ क्रूज को तो ये वापस स्ट्रेट लाइन हो गई। और हाईवे पे जब भी चल रहे हो तो यहाँ पे लेवल फर्स्ट ही आपको रखना है या लेवल जीरो आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन हाईवे पे लेवल थर्ड या लेवल सेकंड रखेंगे तो जब भी अपन एक्सेलरेटर पेडल छोड़ेंगे तो ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग होगी तो एनर्जी का लॉस होगा जिससे कि अपने एवरेज कम मिलता है। तो जब भी अपन सिटी में और ट्रैफिक ज्यादा हो तो अपन को लेवल थर्ड रखना है, कम हो तो लेवल टू और लेवल वन अपन सेट कर सकते हैं, और अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो अपन लेवल जीरो पे भी सेट कर सकते हैं जिससे ब्रेकिंग कम होगी और एनर्जी लॉस कम होगा। सेकंड चीज ये हो गई। नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आप ड्राइव करो तो अपने जो ट्रिप मीटर है जैसे ट्रिप ए दिखाई दे रहा है तो ये अपने जीरो करके आपको स्टार्ट करना है। तो मैंने भी जीरो कर लिया, मैं 16 किलोमीटर अभी चला हूं। तो अभी आप देख रहे हैं उस ट्रिप के नीचे यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, अभी सामने गाड़ी आ गई है तो मैंने ब्रेकिंग की है तो इसमें क्रूज कैंसिल हो गए, अभी ब्रेक करते क्रूज कैंसिल हो गए, वापस मैं क्रूज को इनेबल करूंगा तो यहाँ पे सीधा ये प्लस का जो स्टर्निंग स्विच पे दे रखा है इस प्लस को ओके करते ये क्रूज रिज्यूम हो गए, वापस 75 पे ये गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ट्रिप जीरो करना है और ट्रिप के नीचे आपको एवरेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको कम से कम लाना है, नियर बाई 100 के लाना है। तो अभी ये 140 लिखा हुआ आ रहा है, 114 जो वाट आर पर किलोमीटर इसमें अभी आ रहा है। ये जब भी आएगा जब आप क्या है कि ये पैटर्न फॉलो करोगे, फर्स्ट जो क्रूज कंट्रोल यूज करोगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये देखिए अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ वापस एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो ये लाइन ऊपर नीचे होने लग गई है क्योंकि आगे ट्रैफिक था। तो ये मेरे 114 आ रहे हैं, अभी मैं 17 किलोमीटर हाईवे पे चला हूं, तो ये इतना पैटर्न फॉलो करोगे तो एवरेज है जो आपके ये कम होगा तो इससे रेंज बढ़ेगी और ये आपके लाइन स्ट्रेट होगी तो इससे भी आपके रेंज बढ़ेगी। और सेकंड चीज कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेज निकालने के लिए आपको कास नीचे करने पड़ेंगे, एसी बंद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी 75 की स्पीड से चल रहा हूं और ये वापस मैं क्रूज रिज्यूम कर देता हूं, लेकिन आगे अभी ट्रैफिक है, आराम से चलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो सेकंड चीज अभी मेरी जो एसी है वो भी मेरे एकदम लोवेस्ट पे है, एसी है वो भी मैंने एकदम लोवेस्ट सेट कर रखा है, एकदम लो पे है एसी, और 75 की मेरी स्पीड है और क्रूज मैंने सेट कर रखा है, रीजन लेवल को मैंने 1 कर रखा है, 0 भी यूज कर सकते हैं लेकिन थर्ड यूज नहीं करना है। और ये देख रही है वापस ये जो लाइन है वो जिग जैग हो गई है। तो इस हिसाब से आप पैटर्न फॉलो करोगे तो आपके रेंज निकलेगी। और सबसे बड़ी चीज जब भी अपने गाड़ी सामने आती है या अपन क्रूज कंट्रोल यूज नहीं करते हैं तो आपको सडन क्या है कि ब्रेकिंग नहीं करनी है। अगर अपन ब्रेकिंग कर भी देते हैं तो सडन आपको एक्सेलरेटर पेडल नहीं प्रेस करना है, आपको धीरे धीरे ही आपको एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करना है और धीरे धीरे ही आपको वापस इसे छोड़ना है। अपन अचानक ब्रेकिंग करते हैं तो उस वजह से क्या है कि एनर्जी लॉस ज्यादा होता है तो उससे अपन को बचना है। तो ये चीजें अपन फॉलो करेंगे तो अपने रेंज आराम से निकलेगी। और ईवी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इश्यू हो सर्विस के रिगार्डिंग, रेंज के रिगार्डिंग या गाड़ी के रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर मैसेज का रिप्लाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।